तुम्हारे कहीं खेत होता, तुम्हारी उखाड़ी गन्ना होता तो हम खा लेते, ये गन्ना हमारे खाने काबिल नहीं है। जी एक बार ऐसा हुआ जी, हमारे पास ट्रक तो था ही, खुद का था आपका, खुद का ट्रक था हमारा, और ड्राइवर भी है आपका, ड्राइवर भी है जी। फिर क्या हुआ आपके साथ? तो वहाँ हमारा गन्ने ढुलाई का ठेका था। अच्छा। तो उसमें दो तीन लोग साझे थे उसमें। अच्छा। तो एक दिन ख्याल आया हमें कि अपने पीर किया गन्ना लेकर, गन्ना लेके जाएंगे जी। तो अर्ली गन्ना चलता था। अच्छा। वो नरम भी होता था जी। तो ख्याल आया जुमे वाले दिन हम पहुंचेंगे जी, यहाँ किया जी, और वहाँ नमाज भी पढ़ेंगे, गन्ना ले जाएंगे। फिर वहाँ हमने क्या काम करा, फिर हमने गन्ने जो निकाले वहाँ से और उनके छोटे छोटे पैकड़े बनाए और उसको बांध के, जब हम बीसलपुर आए तो हमने उठाई साइकिल, उस पर गन्ने रखे, आगे मियाँ द्वारगाम पहाड़गंज से। तो मियाँ तशरीफ फरमा थे, तो हम गन्ने लेके जब आए तो मियाँ ने देखा, सरकार पूछने लगे ये गन्ने कहाँ से लाए, तो हमने कहा ये हमारा ठेका है ढुलाई का, बाँस गन्ने लेके आया बच्चों के लिए, ले आए खानका की लाए थे, खानका खानका बच्चे थे छोटे छोटे। तो आपने पूछा कि ढुलाई का पैसा नहीं लेते थे, तो हमने साहब हाँ पैसा लेते हैं। तो हमने ये कह दिया सेंटर इंचार्ज जो है वो भी हमें नहीं मना करता है जी। तो मियाँ बोले वो भी सरकारी नौकर है। अच्छा। तो हमने कहा सुसाइटी बाबू जो बैठता उसके साथ वो भी नहीं मना करता है जी। तो बोले वो भी नौकर है। हाँ, मतलब वो लोग उस चीज गन्ने के मालिक नहीं है। मालिक नहीं है। और मालिक का ये हक होता है कि वो चाहे जिसको दे दे, वो तो बस वहाँ काम करने वाले नौकर हैं जी, उनको वहाँ तनख्वाह मिलती है तो जी। हमने आखिर ये कह दिया, हमने साहब चीनी मिल में अगर हम लोगों को जीएम भी देख ले होता है, हाँ, बड़ा मैनेजर होता है, मैनेजर होता है जी जी, होता नौकर ही, हाँ नौकर होता है जी। तो वो भी हमें लोगों ने नहीं मना करता है, मियाँ फरमा रहे हैं कि वो भी नौकर होता है, वो भी नौकर है, मालिक वो भी नहीं है, ये गन्ना हमारे खाने काबिल नहीं है जी। तो वो गन्ने नाले फेंकवा दिए। अच्छा। जब नाले फेंकवा दिए, बोले आप तुम्हारे कहीं खेत होता, तुम्हारी उखाड़ी गन्ना होता तो हम खा लेते, ये गन्ना हमारे खाने काबिल नहीं है जी।